thing. Okay. हम शीट नंबर 52, 52 नंबर शीट पे थे. 52nd शीट के अंदर हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था जाते हुए. ये वाला क्वेश्चन किया था, एक चेन वाला क्वेश्चन किया था. मैं आज का लेक्चर यहीं से फिर से स्टार्ट करना चाहता हूं ताकि रिवीजन भी हो जाएगी चेन वाले क्वेश्चन की, और कैसे करना है वो ट्रिक भी पता लगेगा. और मैं आपको एक दो और एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको ये पता लगेगा कि कब सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाना है. कई बार नहीं क्लिक करता, वो कैसे क्लिक करेगा बताता हूं. देखो, सपोज करो आपके पास एक स्टिक है, ये स्टिक, और ये ग्राउंड है. ठीक, ग्राउंड है और ये एक स्टिक है. ठीक है यहां तक. इस स्टिक का मास, या स्टिक से भी पहले एक और एग्जांपल लेता हूं, आपके पास एक पॉइंट मास है और वो ग्राउंड से एच डिस्टेंस पे है. तो ये पॉइंट मास जो यहां पे है, ये बताओ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है. तो आप क्या बोलेंगे, एम जी एच. कोई डाउट इसमें? ठीक है, पोटेंशियल जी एम जी एच है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पॉइंट मास है तो वी कैन अप्लाई एम जी एच. अब एक काम करते हैं, अब मान लो एक स्टिक है, स्टिक की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, और स्टिक के ऊपर मास, स्टिक का टोटल मास कितना है, एम है. स्टिक का टोटल मास एम है, एंड मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द स्टिक. मतलब मास यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, हर जगह मास ही मास है. किसी ने कहा इस पूरे स्टिक की पोटेंशियल एनर्जी निकालो. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं. तो मैंने कहा देख, कुछ ऐसे करना पड़ेगा तेरे को कि मान लो ये आपके पास एक ये स्मॉल मास है डीएम, इसकी हाइट यहां से एल है, पोटेंशियल एनर्जी इज डीएम इंटू जी इंटू एल. लेकिन जो मास थोड़ा नीचे होगा, उसकी हाइट ग्राउंड से नीचे होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम आएगी. जो और नीचे होगा उसकी हाइट कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी और कम आएगी. जो नीचे होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी और कम आएगी, और जो बिल्कुल ग्राउंड पे टच कर रहे हैं मास, उसकी क्या आएगी, जीरो. तो उसने कहा सर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? तो मैंने कहा देखे काम कर, तू हर एक एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी निकाल, पहले इसकी जीरो, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, करते 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 सारों की एनर्जी निकाल और ऐड कर आंसर आ जाएगा. उसका करके दिखाओ. मैंने कहा देख, मैंने इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, वेरी वेरी स्मॉल, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास. एक पॉइंट है और यहां का मास कितना है, टीएम. और ये जो मैंने मास लिया, लेट अस सपोज वो कितनी हाइट पे लिया, एक्स हाइट पे लिया, क्योंकि ऐसे कई एलिमेंट्स होंगे और कई एलिमेंट्स की जो हाइट है ग्राउंड से क्या रहेगी, एक्स. ठीक है, मैंने एक्स ले लिया. अब ये जो मैंने एक्स लिया, इसकी लेंथ मैंने कितनी ली स्मॉल एलिमेंट की, डीएक्स, वेरी वेरी स्मॉल. तो किसी ने कहा कि यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. मैंने कहा देख, टोटल तो नहीं होगी, या तो स्मॉल निकलेगी, क्योंकि छोटे एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्मॉल है, और बिग जो सारे एलिमेंट्स के मिलाऊंगा तो टोटल आ जाएगी. तो ये स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, डीएम जी, हाइट कितनी है इसकी, एक्स. उसने कहा ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो एमजीएच, क्योंकि मैंने कहा डीएम इज अ पॉइंट मास, तो मैं लगा सकता हूं यहां पर डीएम इंटू जी इंटू एक्स. कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो छोटे से एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी आएगी मेरे पास. उसने कहा डीएम की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैंने कहा मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द रॉड. तो अगर लेंथ एल है तो मास एम है, वन है तो एम बाय एल है, और अगर इसकी लेंथ स्मॉल कितनी है, डीएक्स है, तो एम बाय एल इंटू डीएक्स है. तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डीएम की. तो du will be equal to m by l into dx into g into x. तो ठीक है, मैंने कहा मैं du की वैल्यू निकाल देता हूं. तो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी इस स्मॉल एलिमेंट की कितनी आ गई, du will be equal to m by l into g into x into कितना, dx. गुड डाउट इसमें? अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है, तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं, डीएम 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 डीएम, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक सबको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा. तो इंटीग्रेशन करते हैं
ये देखो, 0 से लेके u तक कि पहला एलिमेंट कहां पर है, जब x की वैल्यू क्या है 0, तो एनर्जी उस टाइम क्या है 0, और जब टॉप पे चले गए तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई u, टॉप पे जाने का मतलब l, तो इंटीग्रेट करते हैं m बाय l इंटू g, इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके l, लिमिट पुट करो m बाय l इंटू g, l स्क्वायर बाय 2, l से l कैंसिल, आंसर क्या आ गया m g l बाय 2। अब चेक कर लो टोटल इंटीग्रेशन करने के बाद एनर्जी क्या आ गई, एम जी एल बाई 2। ठीक, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, पहले बताओ। ये एक्चुअल मेथड है हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ रॉड बाय इंटीग्रेशन। कोई कहता है तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब ये काम क्या करेंगे स्टिक्स और रॉड में, मैंने कहा नहीं ये नहीं करेंगे, एक शॉर्टकट चलाएंगे। शॉर्टकट क्या है, फिर से एक स्टिक है, सेम क्वेश्चन है, इसका मास कितना है एम है, लेंथ कितनी है एल है, तो हम एक काम करते हैं इंटीग्रेशन को अवॉइड करने के लिए, ये मान लेते हैं कि टोटल मास इस रॉड का कहां पर पड़ा हुआ है, एट सेंटर, यानी कि एक ऐसे पॉइंट पे पड़ा हुआ है जहां पर हम ये इमेजिन कर सकते हैं पूरे का पूरा मास यहां पर पड़ा हुआ, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नाम में, सेंटर ऑफ मास, मास का सेंटर का मतलब एम बाई टू, नहीं, सेंटर ऑफ मास मास नहीं है, सेंटर ऑफ मास पॉइंट है, एक जगह है पॉइंट है, सेंटर सेंटर है जहां पर हम ये इमेजिन करते हैं कि मास उस सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है। कहने का मतलब कि हम ये मानते हैं कि यहां पर मासेस नहीं है, हम ये मानते हैं जबकि है नहीं, हम ये मानते हैं कि सारा का सारा मास यहां पर पड़ा हुआ है, और जिसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है एल बाय टू, तो क्योंकि ये पॉइंट मास है तो सीधा एनर्जी का फॉर्मूला एम जी इंटू एल बाई टू। तो इंटीग्रेशन के कितने स्टेप्स इस सेंटर ऑफ मास ने आपके बचा दिए, जो काम आपने इंटीग्रेशन से किया वो काम सेंटर ऑफ मास ने एक स्टेप में कर दिया, और आपके सामने ही है, सेंटर ऑफ मास को कोई गलत नहीं बोल सकता क्योंकि जो आंसर इंटीग्रेशन से किया एक्चुअल मेथड ने वो काम इसने एक मिनट में कर दिया। तो ऑब्वियसली कोई मेथड नंबर टू कौन यूज करेगा, वन कौन यूज करेगा, सेंटर ऑफ मास से ही निकाल लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आया, किसी ने कहा सर मैं क्वेश्चन चेंज करूं, मैंने कहा क्या, कह रहे देखो ये चेन है, ठीक है चेन है, कह रहे मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, ये ग्राउंड है, चेन का मास एम है हाइट एच है, तो आप क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो, मैंने कहा अब वही इंटीग्रेशन से, तो पहले एक लिंक की एनर्जी निकाल फिर दूसरे की निकाल, वो कहते कोई शॉर्टकट क्या है, क्योंकि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी लेंथ, तो एनर्जी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, तो हम क्या करेंगे यहां कंसिडर करेंगे सेंटर ऑफ मास, तो हाइट क्या लेंगे, आंसर क्या आएगा एम जी इंटू एच बाई टू, सही। फिर किसने कहा सर मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, मैंने कहा ठीक बोल, कह रहे देखो ये एक ट्यूब है, मैंने कहा ठीक, कह रहे इसमें लिक्विड है पानी है इसमें, और पानी की हाइट कितनी है यहां पर एच है, मैंने कहा ठीक,
तो वो कहता है अगर पानी की हाइट इसमें h है और इसका पानी का मास अगर m है, तो उस केस में यहाँ पर इसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, ये ग्राउंड है। अब प्रॉब्लम ये है कि पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लें तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर पॉइंट पर डिफरेंट है। तो एक काम करो, कंसिडर करो इसका सेंटर ऑफ मास एम जी इंटू कितना, डन। तो सेंटर ऑफ मास के पॉइंट कहाँ लगेंगे, कुछ कुछ दिखने स्टार्ट हुए, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, सेंटर ऑफ मास जब करेंगे तब और दिखेंगे, क्योंकि उस टाइम तो काम ये करना है हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, पर फिलहाल के लिए काम चलाने के लिए तो ठीक है इतना कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया। तो मेरे इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये गिवन था कि एक चेन है और एक चेन जो एक चेन है उसमें ना लीनियर लीनियर डेंसिटी के बारे में गिवन था, लीनियर डेंसिटी इज डी, याद रखना अगर तो डेंसिटी अकेली फिर तो मास बाय वॉल्यूम होता है, पर अगर वर्ड लीनियर है इसका मतलब मास पर यूनिट लेंथ है, ये गिवन है। तो आपको ये कह रहा है कि जो चेन नीचे लटक रही है कितनी लटक रही है, एल, आप इसको ये बताओ कि इसको आप टेबल पे रखना चाहते हो, कितना वर्क डन करोगे, भाई कितना वर्क डन करेंगे, जितनी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वही मेरा वर्क डन होगा। तो कितनी होगी, मान लो इसका मास जो है वो एम है, कहां पर इमेजिन करना है, सेंटर ऑफ मास पे, और कितना ऊपर उठाना है इसे, एल बाई टू। तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा चेन का लटकता हुआ मास इंटू जी इंटू एल बाई टू। अब मास तो गिवन नहीं है, चेन की तो लेंथ गिवन है, तो याद रखना डी को, डी का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, और हम कितनी लेंथ का मास निकालना चाहते हैं, एल। तो हम एक काम करते हैं, हम मास की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं डी इंटू कितना, एल इंटू जी इंटू एल बाई टू, ठीक। तो यहां पर एम जो है वो डी इंटू एल, दैट इज यहां पर क्या आएगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेना आंसर आएगा। तो चेन का कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक, ठीक। आगे अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है फिर एक कॉम्पिटिशन में, एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ना खुद से, जो डेंसिटी लीनियर डेंसिटी होती है उसका मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। अगर तू मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करे तो लेंथ और लेंथ कैंसिल होके बचेगा क्या मास, तो मास आ गया, ठीक, मास की जगह पुट कर लिया, ओके। देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वर्क डन इन टाइम टी ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम, तो आपको क्या निकालना है, आपको वर्क डन निकालना है और कितने टाइम में निकालना है, टी टाइम में निकालना है, बॉडी ऑफ मास एम, किसी बॉडी का निकालना है,
विच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, तो वो बॉडी कहां से स्टार्ट होती है, फ्रॉम रेस्ट, और कितनी स्पीड एक्वायर करती है, वी कितने टाइम में करती है, टी वन में करती है, एज अ फंक्शन ऑफ टी। स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है, पता नहीं कि टी टी वन टी टी वन क्या करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, स्लो पढ़ना है। उसने कहा वर्क डन इन टाइम टी, हाँ ये समझ में आता है कि वर्क डन निकालना चाहता है किसी बॉडी का जो रेस्ट से स्टार्ट करके अपनी वेलोसिटी वी करती है इन टाइम टी वन और एज अ फंक्शन ऑफ टी, तो वर्क डन चाहता है इन टर्म्स ऑफ टी। तो मेरे को ये समझ में आता है कि अगर एक बॉडी टी टाइम के बाद, अगर वो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है और टी टाइम के बाद अगर उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो एक बात तो पक्की है कि जो मेरा वर्क डन आएगा वो क्या होगा, मान लो वेलोसिटी वी डैश है टी टाइम के बाद, तो वो हाफ एम वी डैश स्क्वायर होगा, तो जो एनर्जी होगी वही मेरा वर्क डन होगा। तो ये जो वी डैश होगा, क्योंकि बॉडी कहां से स्टार्ट हुई है, फ्रॉम रेस्ट, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जो मुझको वर्क डन या एनर्जी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ टी निकालनी है, वी कैन अप्लाई वी डैश इज इक्वल टू जीरो प्लस ए टी। ठीक, तो टी टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी कितनी है, वी डैश है, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो क्या एक काम करें, वी डैश को यहां पुट करते हैं, तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ क्या आ गई, टी, जो एनर्जी आ गई वो इन टर्म्स ऑफ टी आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या निकालना है, ए। अब उसने एक हिंट दिया, अ बॉडी विच स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ वी इन टाइम टी वन, तो अलग से इक्वेशन लिखी, वी वेलोसिटी एक्वायर होती है रेस्ट से चली हुई बॉडी की इन टाइम टी वन, तो यहां से क्या आ गया, ए। ए को यहां पुट किया, वी वन वी बाई टी वन आंसर आ गया। तो यानी कि वेलोसिटी हमने टी टाइम पे निकालनी थी ताकि काइनेटिक एनर्जी आ जाए टी टाइम पे, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसमें मुझे ए नहीं पता था, तो ए निकालने के लिए बीच की लाइन उसने मेंशन की ताकि हम ए निकाल सके और आंसर आ जाए। हालांकि जब ये क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर आया उसमें बहुत सारी ऑप्शंस थी, जैसे एक ऑप्शन तो यही था हाफ एम वी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय टी वन स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन था हाफ एम वी स्क्वायर और टी स्क्वायर बाय टी वन, थर्ड ऑप्शन था हाफ एम वी स्क्वायर टी वन स्क्वायर बाय टी। तो कई लोगों ने बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन को ठीक कर दिया, कैसे, सॉल्व ही नहीं किया और क्वेश्चन ठीक करके आ गए, क्वेश्चन कहते क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया फिर भी ठीक हो गया, कैसे, भगवान का नाम लिया, डायमेंशंस ये कहते हैं पूछी एनर्जी टी के, जब तक यूनिट टी से कैंसिल नहीं होंगे तो आंसर एनर्जी का कैसे आएगा, सेकंड स्क्वायर कैंसिल, हाफ एम वी स्क्वायर जूल में बच गया, इधर टाइम बच रहा है एनर्जी, जूल टाइम टाइम, तो फिर सॉल्व करने की जरूरत क्या थी, पता ही लग रहा है कि एक ही ऑप्शन है जूल में, बाकी तो ऑप्शन जूल में चल ही नहीं रहे थे, तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसलिए थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए, क्वेश्चंस के जो चीज पूछी है सबसे पहले नज़र ऑप्शन में मार के यूनिट्स पे भी देख लेना चाहिए कि यूनिट्स जूल आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, कहीं फालतू में ये देख कंफ्यूज हो के देखते जाओ, फायदा क्या देखने का है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, और ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, और बनाने वाले की समझदारी देखो, उसने एक ऑप्शन करेक्ट दिया बाकी सारे यूनिट्स डायमेंशन गलत कर रखे हैं उसने भी, और लोगों ने भी उसको ठीक ही कर दिया जिनको समझ में आ गया। पॉइंट समझ में आया तो मतलब ऐसा भी कभी कभी हो जाता है पेपर में। चलो आगे चलते हैं, वी वन और वो मुझे पता नहीं, क्योंकि वी वन वेलोसिटी टी वन टाइम पे है ना, जो वेलोसिटी सॉरी वी है वो टी वन टाइम पे है, और जो वी डैश है वो टी के साथ रिलेटेड है, ये सिर्फ इसलिए गिवन है अ स्मॉल पोर्शन ऑफ जर्नी ताकि आप ए निकाल सको, बस असली टी में चल रहा है, ठीक ऐसा है कुछ। सो ये हमने क्वेश्चन कर लिया था लास्ट टाइम, किया था ना ये कि नहीं किया, किया था, कर लिया था। ये क्वेश्चन देखो, एक नई टाइप की प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम है कि सपोज आपने एक ये यू की फॉर्म में आपने क्या लिया, एक यू ट्यूब, जो ट्यूब असली ट्यूब है और वो यू शेप्ड है, तो इसमें लिक्विड है। इस लिक्विड को मैंने यहाँ दबा के रोक के रखा हुआ है सच दैट इसकी हाइट यहाँ से H2 है और ये हाइट यहाँ से H1 है। मैंने इसको छोड़ दिया, पानी ऊपर नीचे कभी ना कभी रुक गया, ये रुक गया। कितनी हाइट पर रुक गया? H पे रुक गया, नई हाइट अटेन कर गया। पानी एक बात बताओ ऐसा मूव करेगा क्यों? क्योंकि क्योंकि किसने काम किया? मैंने तो नहीं छेड़ा पानी को, ग्रेविटी, ग्रेविटी, अर्थ। अर्थ कहती है ऐसे कैसे ऊपर नीचे हो गया? पहले फोर्स, फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स इस लिक्विड को अपनी तरफ खींचेगी और दोनों को खींचेगी बराबर बराबर, इसलिए लिक्विड थोड़ी देर में ये शेप एक्वायर कर लेगा। हाँ, प्रेशर वर्ड सही रहेगा, बट प्रॉब्लम है कि हम प्रेशर की टर्म में, प्रेशर चैप्टर नहीं किया ना, तो प्रेशर की टर्म में ना ही बात करें तो ज्यादा बेटर है। प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स लगी एरिया के ऊपर, फोर्स किसने लगाई? ग्रेविटी ने। इसीलिए क्वेश्चन में ये पूछा गया, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इन इक्वलाइजिंग द लेवल। तो ग्रेविटी ने काम कितना किया पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन है। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है? ठीक, क्वेश्चन क्लियर है, राइट? देखो करना क्या है, लेट अस सपोज आपके पास एक ये पेन है, ग्राउंड से इसकी हाइट MgH1 है, सॉरी ग्राउंड से इसकी हाइट H1 है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी है? MgH1 है। मैंने इस पेन को H2 हाइट पे ले गया, ग्राउंड से हाइट H2 है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? Mg into H2 है। तो मैंने उठा के यहां से जब यहां लेके गया तो मैंने वर्क डन किया, कितना किया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो भी नया चेंज आया वही मेरा अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ। कोई डाउट? सेम है इसके अंदर। ग्रेविटी ने कितना काम किया? ग्रेविटी में इतना काम किया कि आप एक काम करो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो इसको ग्राउंड मानते हुए, फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो इसको ग्राउंड मानते हुए, और एच हाइट आपको क्वेश्चन में बिल्कुल भी गिवन नहीं है, आपको एच वन एच टू ही गिवन है, आपको एच खुद एज्यूम करके एच की वैल्यू भी निकालनी है पहले, तो कि हाइट क्या, इक्विलिब्रियम में हाइट क्या होगी। तो आपको यह बताना है कि इस केस में इनिशियल एनर्जी निकालो सिस्टम की, फाइनल एनर्जी निकालो पोटेंशियल, और दोनों को माइनस कर दो, जो भी चेंज इन एनर्जी आएगा वही अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी माना जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो एक काम करते हैं, पहले इनिशियल एनर्जी निकालते हैं, रादर इनिशियल एनर्जी से पहले भी अगर हाइट H1 H2 है और मैं इसको छोड़ देता हूं और अल्टीमेटली ये सिचुएशन हो जाती है और कोई मुझसे एक नया क्वेश्चन पूछे, सर हाइट H तो बताओ क्या होगा इन टर्म्स ऑफ H1 H2, तो तरीका देखो, टोटल वॉल्यूम विल रिमेन सेम, पानी जैसे मर्जी हो जाए रहेगा तो ट्यूब के अंदर ही, तो यानी कि इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम लेने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये तो पहली स्टार्ट, ये तो कॉन्स्टेंट ही है, इसको नहीं लेते, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। मान लेते हैं कि सिलेंडर के सिलेंड्रिकल ट्यूब है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए, तो बताओ इसका पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू H1। इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू H2। इसका क्या होगा? एरिया इंटू H, और इसका क्या होगा? एरिया इंटू H। इक्वेट करें, ए कैंसिल, तो H की वैल्यू आ गई H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाय 2। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो यहां पर H की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट है, अब आगे शुरू करते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी लेफ्ट साइड पे क्या होगी? ठीक, अब मैं इस पिक्चर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि ये एक वाटर की प्रॉब्लम है और पानी में मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इतने पानी की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? मास जी H1 बाय 2 करवाया था सेंटर ऑफ मास, क्योंकि लिक्विड में ट्यूब में पानी है, एग्जाम्पल दिया था। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी लेफ्ट साइड की? Mg into H1 by 2। अब मास ऑफ वाटर यहां पर कितने गिवन तो है नहीं, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इस पोर्शन का वॉल्यूम कितना है? एरिया इनटू H1, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एरिया इनटू H1 इनटू डेंसिटी। तो मास की जगह एरिया इनटू H1, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू G इनटू H1 by 2। तो लेफ्ट साइड की पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हो गई।
सिमिलरली राइट ट्यूब की भी पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या होगी, एच वन की जगह क्या रिप्लेस करें, एच टू, एक ही बात है, सॉल्व क्या करना है, एच टू. तो टोटल एनर्जी लेफ्ट फिगर की क्या होगी, दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया. कोई डाउट यहां तक? अब फाइनल पिक्चर देखें, जो नई पिक्चर है फाइनल, उसमें क्या फर्क है, एच वन एच टू की जगह दोनों तरफ एच और एच है, क्यों ना ऐसा करें, एच वन की जगह एच, एच वन एच टू की जगह भी एच, सॉल्व करके क्या आ गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल आ गई, फाइनल आ गई. वर्क डन क्या होगा, चेंज इन एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल की वैल्यू मेरे पास है, इनिशियल की वैल्यू मेरे पास है, तो ये फाइनल और ये इनिशियल, ये H1 H2 कैसे गया इसमें, अच्छा ये रहा, H की जगह रिप्लेस भी किया, सॉरी, क्योंकि फाइनल H की टर्म में है और H मैंने ऊपर निकाला हुआ है, H1 plus H2 by 2, ये रहा. अब ठीक है, तो अब इन्हें माइनस करेंगे, तो आप कैलकुलेशन आराम से बैठ के इसको देखो, ये आप खुद ही करेंगे, ऑब्वियसली घर जाके LCM लेंगे, कॉमन लेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन भी है, इक्वलाइजिंग द लेवल कैसे करना है. क्लियर है यहाँ तक? एक ऑब्जेक्टिव शीट है मेरी जो मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, हिंट्स तो क्या बता ही रहा हूँ कैसे करने हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन करने थोड़े से मुश्किल है आपके लिए, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि यार होंगे ही नहीं, तो थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करूँगा और फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा. मतलब कम से कम नहीं तो 50 से 80 तक क्वेश्चन जब तक मैं नहीं करूँगा आप नहीं चल पा, वर्क एनर्जी पार में एफर्ट ज़्यादा लगता है, थोड़ा ज्यादा लगेगा, उसके बाद फिर आपकी टर्न है, फिर आप करोगे, फिर चीजें रिपीट होंगी, रिवाइज होंगी, अपने आप चल पड़ेगी. इनिशियल एनर्जी क्या होगी, आज हमने किया इस साइड की क्या होगी, mg into h1 by 2, ठीक, सेंटर ऑफ मास वाला. मास क्या है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है, एरिया इंटू हाइट इनटू डेंसिटी, आ गया, फिर ऐसे ही राइट का फिर ऐड कर लिया, ठीक. तो मतलब आपको ना घर जाके इन स्टेप्स को एक बार देखना है, दिमाग में बिठाना है, फिर आज मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ, पर मेरा जो अब मैं जो आपको आज काम दूंगा वो मैं वो देना चाहता हूँ कि जिस रास्ते से मैं जा चुका हूँ, जो मुझे लगता है कि अब ये आपकी रेंज में आ चुके हैं क्वेश्चंस, वो मैं दूंगा ताकि आप उनको कर सको, और अगला लेवल जो होगा वो मैं नेक्स्ट टाइम क्लियर करूंगा, फिर अगले लेवल के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम दूंगा. अगर मैं नए क्वेश्चन देता रहूंगा अभी फिलहाल आपको, तो आपसे होंगे नहीं, जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, आज की प्रॉब्लम ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके फिर मैं आपको थोड़े इससे नीचे के क्वेश्चन दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक. तो आज का होमवर्क है 20-25 क्वेश्चन का जो आपकी रेंज में रहेंगे. देखो नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स पता है, एक्स कितना है बोलो, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1. मेरे ख्याल से देखते ही समझ में आ जाता है x की वैल्यू टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है. आपको वर्क डन निकालना है कितनी देर में, 10 सेकंड में, और मास आपको पता है. अब वर्क डन जैसे ही मेरे माइंड में आता है ना, सबसे पहली चीज मेरे माइंड में ही आ जाती है वर्क डन बिना देखे, f इंटू एस, ठीक है जी, f इंटू एस. चलो इतने समझदार तो हम हो ही चुके हैं, अब s की जगह x कह रहा है तो चलो x ही लगा लेते हैं, लगा दिया. फिर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स तो दिख नहीं रही, चलो कोई बात नहीं, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, चलो इतना पे ठीक है, मास तो दे ही रहे ना, मास की जगह क्या पुट करते हैं, 10. एक्सीलरेशन कहां से आएगी, हाँ काइनेटिक्स याद आ रहा है कि अगर मैं इसे दो बार डिफरेंशिएट करूं, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी, एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सीलरेशन आ गई 2, चलो ये भी ठीक है 2. अब x की प्रॉब्लम है, x कितना है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ठीक है पुट कर दिया मैंने, कोई डाउट इसमें, ठीक है. एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, ज़रा वो जो को फिजिक्स थोड़ी जिसका व्यू सही नहीं चलता वो ऐसे काम करता है, कोई बात नहीं, हो सकता है सारे लोगों की यही व्यू चल रहा हो, मैं कह नहीं सकता, बट ऐसे भी लोग ट्राई करते हैं. फिर मैं कहूँगा चलो जी वर्क डन निकाल, कह रहे टाइम, अच्छा हाँ टाइम गिवन है 10 सेकेंड, टाइम को उठा के 10 सेकेंड पुट करेगा, आंसर आ गया जी मेरा, आंसर गलत आ जाएगा, ये मेथड इनकरेक्ट है, सही नहीं है. उसने पूछा वो क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें, एफ इंटू एस, एस की वैल्यू गिवन थी मैंने पुट कर दिया, प्रॉब्लम का है. आपको ऐसी फील नहीं आ रहा कि इसमें एक्स तो इंस्टेंटेनियस है,
और तुमने वर्क डन भी कहीं इंस्टेंटेनियस से तो निकाल दिया, ऐसा ही किया कि जब आपने एक्स को सीधा ही पुट कर दिया तो ये वर्क डन शुरू से ले, अब 1 सेकेंड पे कौन निकालेगा, 2 सेकेंड पे कौन निकालेगा, 3 पे कौन निकालेगा, उठा के 10 पुट किया आंसर आ गया, गलत है। ठीक यहां तक तो ये मेथड नहीं चलेगा। तो फिर क्या करें, आपके पास दो तरीके हैं। ठीक, आपने ऐसे नहीं करना पुट, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका है, देखो क्या तरीका है। सबसे पहले एक चीज को समझ लो, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है ना, एफ इंटू एक्स या एफ इंटू जो भी करते हो, नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यही होता है, एफ टी एक्स। मैंने शायद लिख के भी दिखाया था जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसको समझाया था, और मैंने आपको एक रूल भी बताया था कि वर्क डन का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उस वर्क डन के क्वेश्चन के अंदर अगर आपको फोर्स कांस्टेंट गिवन है तो आपको ना इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एफ इन टू ऐसे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी फोर्स क्या है, वेरिएबल है, फिर तो आपको इंटीग्रेशन से ही आंसर मिलेगा, बिना इंटीग्रेशन के आंसर नहीं आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो फोर्स की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो फिर इंटीग्रेशन करो या ना करो दोनों में आंसर आएगा, बिना इंटीग्रेशन के भी आएगा और इंटीग्रेशन के साथ तो आता ही आता है, वो तो खैर गलत आंसर दे ही नहीं सकता। और अगर वेरिएबल फोर्स है फिर तो पक्का इंटीग्रेशन ही करनी पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को 2 बार करके दिखाऊंगा, एक बार विद इंटीग्रेशन, एक बार विदाउट इंटीग्रेशन, आपको जो पसंद है आप करना। तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन कितनी आ गई, 2। क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद और विदाउट इंटीग्रेशन, व्हाई? बिकॉज एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, व्हेन एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट तो मास इनटू एक्सेलेरेशन फोर्स इज आल्सो कांस्टेंट, इसलिए इसके 2 मेथड हो सकते हैं। पर अगर फोर्स वेरिएबल होती तो फिर इसका एक ही मेथड था और वो क्या, इंटीग्रेशन। क्लियर है यहां तक? तो चलो विदाउट इंटीग्रेशन करते, विदाउट इंटीग्रेशन वर्क डन एफ इन टू एस वही पुराना तरीका, फोर्स इज मास इन टू एक्सेलरेशन वही पुराना तरीका जो मैं पहले कर ही रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैंने एस की वैल्यू या एक्स की वैल्यू डायरेक्टली इंस्टेंटेनियस नहीं पुट करनी, मैं निकालना चाहूंगा कि बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना टोटल 10 सेकेंड में। तो अप्लाई एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, वो कैसे पता लगा? क्योंकि जब मैंने ऊपर इसको डिफरेंशिएट किया था ना, तो यहां पर जब मैंने टाइम को 0 पुट किया इनिशियली, तो देखो आंसर क्या आया, 1। तो वी कैन नॉट से कि इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 1। तो इसीलिए टोटल डिस्टेंस 10 सेकेंड में बॉडी ने कितना कवर किया, यू कैन अप्लाई एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेलोसिटी इसके इक्वल आई कैलकुलस से, टाइम को मैंने 0 पुट किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई, 1। तो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस वेलोसिटी इनिशियल 1, टाइम की जगह क्या पुट करेंगे इसमें, 10 सेकेंड, क्योंकि 10 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है, हाफ ए टी स्क्वायर, और एक्सेलेरेशन ऊपर से कितनी आई है, 2। तो टोटल 10 सेकेंड में इतना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, तो वो एक्स जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट गिवन है वो आपको वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों चीजें निकालने के काम आएगी। तो आपने डिस्टेंस निकालनी है, टोटल 10 सेकंड में कितना हो गया शुरू से लेके टोटल, अभी काम करते हैं, मास इनटू एक्सेलेरेशन इनटू एस, मास पता है, ए पता है और एस पता है, आंसर आ गया। ये तो एक तरीका हो गया कि जिसमें आपने कोई इंटीग्रेशन तो यूज की नहीं, पर आप एस को निकालोगे कैसे, बाय अप्लाइंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डन। ये एक मेथड है, बट मुझे इस मेथड की बजाय ये मेथड ज्यादा पसंद है। रीजन ये, क्योंकि ये मेथड एक यूनिवर्सल मेथड है, आपकी फोर्स कांस्टेंट है, आपकी फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये मेथड कभी गलत आंसर देगा ही नहीं, करके देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं विद इंटीग्रेशन, जब भी इंटीग्रेशन से वर्क डन निकलेंगे पहला स्टेप एक ही होगा, स्टैंडर्ड डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, कि मान लो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल है, कोई यहां पर डीएफ ना पुट करे प्लीज, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट छोटी है
तो फिर ये थोड़ा कि वर्क डन भी फोर्स भी छोटी लगेगी, फोर्स तो बराबर लगेगी, डिस्प्लेसमेंट छोटी हो सकती है, अगर डिस्प्लेसमेंट कम है तो वर्क डन भी कम है। तो वर्क डन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्मॉल वर्क डन का क्या लिखेंगे, एफ डी एक्स, एफ को क्या लिखेंगे एम इन टू ए, मास पता है ए टू पता है डी एक्स, तो स्मॉल वर्क डन क्या आ गया 20 डी एक्स। अब प्रॉब्लम एक है, इन दिस क्वेश्चन हमें टाइम गिवन है 0 से 10 सेकेंड, क्योंकि इसके बाद तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगेंगी। अब इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स लगेंगी वो x की लगेंगी यहां पर मुझे x तो पता ही नहीं, मेरे को तो टाइम पता है 0 से 10 सेकेंड। तो एक काम करते हैं, हम dx को dt में कन्वर्ट कर देंगे। बड़ी सही ट्रिक है, ध्यान से देखना कि अगर इंटीग्रेशन dx में चल रही है और dt में कन्वर्ट करनी हो तो आप लोगों को याद होगी एक डेरिवेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, अब तैयारी भी करके आए होंगे, वही ट्रिक है। dx को dt में कन्वर्ट करने के लिए dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड कर दो, ऐसे क्या होगा dx by dt क्या हो जाएगा v, और देखो आपका आंसर किस में आ गया dt में। तो v हमें सॉल्व किया हुआ है कितना 2t+1, ऊपर डिफरेंशिएशन से किया है, ऊपर 2t+1 पुट कर दिया, और इसको इंटीग्रेट करें, टाइम की लिमिट 0 से 10, वर्क डन 0 से w, ये w आ जाएगा, 20 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म 0 से 10 0 से 10, तो t की इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 1 dt की t 0 से 10 0 से 10, लिमिट पुट करो सॉल्व करो, आंसर एग्जैक्टली सेम आ गया। आई होप सबको अच्छा लगा सेकेंड मेथड, ठीक कि फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट ठीक है, अभी के लिए फर्स्ट ठीक है, सेकेंड इसलिए ठीक है इसमें टेंशन नहीं है। डी डब्ल्यू एफ डी एक्स सारे क्वेश्चनों की स्टार्टिंग यहां से, एफ जो गिवन है पुट कर दिया, और अगर बाय चांस लिमिट एक्स की गिवन होती कि बॉडी चली 0 से 10 मीटर, फिर तो और भी क्वेश्चन आसान था, फिर डी टी में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो आपको x की लिमिट गिवन होती, यही क्वेश्चन खत्म था, 0 से लेके 10 मीटर आंसर। आज मैं दूंगा थोड़ी देर में क्वेश्चन सॉल्व करने को, अभी बताऊंगा नहीं पर आएगा, याद रखना यहां तक स्टेप सही है, टाइम की लिमिट गिवन है तो अगला स्टेप ले लेना, नहीं गिवन तो यहीं से x की लिमिट लगा के आंसर आएगा, अभी करेंगे ट्राई। क्या ये पॉइंट क्लियर है पहले बता दो, ट्रिक समझ में आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक बॉल को हमने रिलीज किया, कहां से किया, एक हेमिस्फेयर है यहां से छोड़ दिया, इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से h, ये बॉल नीचे 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 आई और फिर c तक चले गई, c तक की हाइट कितनी है r, मेरे को एक चीज का आंसर दो, अगर एक बॉल को h हाइट से मैं गेरूं वो ग्राउंड से टकराए और मान लो कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है वापस आए, क्या वो एच को क्रॉस कर सकती है, कर सकती है, अगर कुछ नहीं हो सकता, बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन ये बोलता है कि अगर मैंने एक बॉल को पोटेंशियल एनर्जी दी 10 जूल, वो नीचे 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 गई, काइनेटिक में कन्वर्ट होगी पोटेंशियल 0, 10 जूल एनर्जी लॉस तो है नहीं, बॉल के पास ही एनर्जी रहेगी, अब बॉल फिर ऊपर आएगी, काइनेटिक कम 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 कम, पोटेंशियल इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, 10 जूल लेके कहां से आएगी एनर्जी, 10 दी थी 10 की 10 ही आ गई, क्लियर। तो एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि अगर आपने h हाइट से बॉल को रिलीज किया तो लास्ट वैल्यू उसकी h ही रहेगी, रूल है, पर यहां पर क्या हो गई r बढ़ गई, इसका मतलब मैंने जरूर यहां पर कोई वेलोसिटी जोर लगा के फेंका है, ड्रॉप नहीं किया, फी वेलोसिटी से गिरा, हाँ अब जा सकती है, डिफरेंस समझ में आ रहा है, फी वेलोसिटी से गिरा तो मैंने उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी भी दी है, तो एक वेक्टर ड्रॉ करना वी नीचे करो, या वी अगर एच हाइट से बॉल को रिलीज किया तो वो एच तक ही आ सकती है, यही एनर्जी का रूल है, पर तो ऊपर चली गई, इसका मतलब मैंने इसको वी वेलोसिटी भी दी है, तो बनाओ यहां एरो वी, ड्रॉ करो वी, तो वेलोसिटी वी है यहां पे, क्वेश्चन यही तो है, बताओ कितनी वेलोसिटी दें कि वो एच हाइट से चल के कितनी हाइट पर आ जाए, आर हाइट पर आ जाए, तो रूल एक ही है और वो क्या है एनर्जी कंजर्वेशन, और तो कुछ कर भी नहीं सकते, तो इस पॉइंट की एनर्जी और इस पॉइंट की एनर्जी सेम रहेगी, वो क्यों,
क्योंकि सारा काम अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, ग्रेविटी की फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट की टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, यहाँ पर क्या होगी, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पोटेंशियल क्या होगी, एम जी एच, यहाँ काइनेटिक क्या हो जाएगी, जीरो, और यहाँ पोटेंशियल क्या होगी, एम जी आर। तो यहाँ से सॉल्व करके वी कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि वी की वैल्यू कैसे आएगी इसमें, ठीक ठीक। तो ये शीट खत्म। शीट नंबर 53, ये जो शीट दिख रही है इस पे लिखो नंबरिंग शीट नंबर 53 होगी, मिली नहीं, देखो देखो इधर देखो, आगे देखना। अब शीट नंबर 53, इस शीट के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट किया था कंजर्वेटिव फोर्सेस को लेके, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। इसकी थ्योरी कुछ अलग सी थी, इसके न्यूमेरिकल कुछ अलग नहीं है, नॉर्मल है। तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, वी कैन अप्लाई एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। जैसे क्वेश्चन है, अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में फोर्स गिवन है एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज फोर्स की वैल्यू एक्स पे डिपेंडेंट है, माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब, तो उस केस में के और ए अगर कांस्टेंट है, आपको एनर्जी निकालनी है यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो यू निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमने एक ही रिजल्ट किया एफ और यू का कंजर्वेटिव में, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। प्रॉब्लम ये है, अगर ये मुझे यू देता तो
तो मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता और एफ आ जाता, पर ये मुझे क्या दे रहा है, एफ दे रहा है, कोई बात नहीं। और यू पूछ रहा है, एक काम करते हैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो चीज निकालनी है उसको लेफ्ट पे ले आओ, du इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, मेरे को एफ दे रहा है, स्मॉल एनर्जी आ गई, टोटल के लिए क्या करूंगा, इंटीग्रेट। सामने अगर मुझे u देता मैं क्या करता, इसे डिफ्रेंशिएट तो f आ जाता, और अगर मुझे f दे रहा है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट और u आ जाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है आता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, f की वैल्यू एज इट इज जो गिवन है पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, इसे इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म a कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x स्क्वायर बाय 2, इसकी क्या होगी, x रेज टू पावर 4 बाय 4, तो ये u आ गया, और u किस फॉर्म में आया, x की फॉर्म में, तो हम इसको बोल सकते हैं u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो u ऑफ x का आंसर आ गया। तो कैसे न्यूमेरिकली करना है वो समझ में आ रहा है, थ्योरेटिकली अलग कॉन्सेप्ट है, टोटल अलग है, पर न्यूमेरिकली पॉइंट समझ में आ रहा है, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला f इज इक्वल टू माइनस u बाय tx। ठीक, तो कल को अगर f गिवन होगा तो u आ जाएगा, u गिवन होगा तो f आ जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसमें, वो एक्चुअली ये इस क्वेश्चन को दो मिनट के अभी छोड़ देते हैं, जब शीट में आएगा तब बताऊंगा, इसमें हिट एंड ट्राई लगा हुआ है दरअसल, तो जब तक चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके ऑप्शन नहीं गिवन होंगी ना, हम इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी चलो मैं ट्राई करता हूँ दो मिनट के लिए, अब चल ही रहा है, इसको बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि वो ना एक ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आपने यू तो निकाल ही लिया, ऊपर जो फॉर्मूला आया उसमें आपने यू तो निकाल ही लिया, यू और एक्स का ग्राफ प्लॉट करो। अब देखो मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं कोई भी इक्वेशन देके ग्राफ प्लॉट कर लूंगा, हाँ, पर अगर मेरे को कुछ दो चार ऑप्शंस गिवन होंगी जिसमें एक्स होगा यू होगा तो एटलीस्ट मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो जैसे पहला ऑप्शन ये रहा, मान लो दूसरा ऑप्शन जो है सपोज ये इस तरीके से यहाँ तक छोड़ दिया, तीसरा ऑप्शन ये ले लिया, तो हिट एंड ट्रायल से आपको बता रहे हैं आंसर क्या होगा। तो पहली बात तो लीनियर नहीं हो सकता ग्राफ, क्योंकि x की पावर जो है वो जो है 1 नहीं है, तो 2 और 4 जो भी है, तो लीनियर तो कम से कम नहीं होगा, हिट एंड ट्रायल है। दूसरा, u की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पर 0, और कॉमन निकालता हूँ, तो कॉमन निकाल के मेरे पास दो सोल्यूशन निकलेंगे, एक सोल्यूशन क्या निकलेगा, एक सोल्यूशन निकलेगा x इक्वल टू 0, पता लग ही रहा है, और एक क्या निकलेगा, x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2k बाय a, कर लो सॉल्व, 0 करके देखो सॉल्व करो, एक x 0 निकलेगा और एक x ये निकलेगा, यानी कि x की दो वैल्यूज होंगी जब u क्या होगा 0। तो आप चेक करो इस ग्राफ में ये टच नहीं कर रहा, देखो ना एक, ये u की वैल्यू चल रही है, यहां पर तो u 0 है पर आगे 0 ही नहीं है, तो ग्राफ कहीं कुछ ऐसा होगा जिसमें दो बार u क्या दिखाई देगा 0, पर ये हिट एंड ट्रायल है, ये ऑब्जेक्टिव देख के अटेम्प्ट हो पाएगा, ऐसे ऐसा सब्जेक्टिव इसको करने का कोई फायदा होगा नहीं, पर क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताया तो इसलिए कुछ इस तरीके से जहां दो बार टच करेगा वही आपका आंसर बनेगा, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, जब ऑब्जेक्टिव में डालूंगा तो उसमें कर लेंगे सॉल्व, राइट। पर ये हिंट याद रखना कि दो बार जीरो क्यों आया। ठीक, अब जैसे सेम प्रॉब्लम है, एफ इज इक्वल टू माइनर डीयू बाय डीआर लिख दिया मैंने, आपको ये क्या चक्कर है, कभी एक्स लिख देते हैं कभी आर लिख देते हैं, कुछ कैसे, मतलब कैसे पता लगता है। तो पहले एक पॉइंट को समझो कि जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन में u गिवन है मान लो 4x और फोर्स कंजर्वेटिव है, तो f का फॉर्मूला माइनस डी यू बाय डी एक्स लगाओ, यहां आप x लगाओ तो f की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ u की जगह कितना 4x, तो f को सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस फोर डी एक्स बाय डी एक्स क्या है 1, तो ठीक है फोर्स आ गई। किसी ने कहा सर वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करो, इसे कर लो, क्योंकि यह वेरिएबल x चल रहा है तो पीछे कौन सा कैप लग गया, आई कैप लगेगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन की कोई कहता मैं चेंज कर दूंगा, मैंने कहा कर, कह रहा मैं तो यार वाई दूंगा, तो कोई बात नहीं यार तो वाई दे दे, मैं यहाँ वाई कर लूंगा, मैं जे कैप कर लूंगा, ये जे कैप है, ये वाई है और ये भी वाई, मेरा आंसर आ जाएगा, कोई डाउट इसमें। कोई कहता मैं के दे दूंगा, हाँ तो के दे दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि हम कुछ भी लगा सकते हैं वेरिएबल अकॉर्डिंग टू जो हमें गिवन है। पर अब क्वेश्चन देने वाले ने देखो मुझे क्या दिया, वो कहता है मैं तीनों चीजें इकट्ठी दूंगा, u इज इक्वल टू x भी दूंगा, y भी दूंगा, z भी दूंगा, अब आप क्या लिखोगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पोजीशन वेक्टर लिख लूंगा r,
आर कुछ भी वेरिएबल दे दूंगा जो आर किसका बना हुआ है, एक्स वाई और जेड कुछ भी, क्लियर। तो आर का मतलब है कि यू के अंदर तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स वाई एंड जेड। तो अब क्वेश्चन ये है फाइंड फोर्स वेक्टर। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फोर्स वेक्टर के यहां अब मैं एक्स लगाता हूं पर मेरे यू के अंदर तो वाई भी है, तो अगर मैं वाई लगाता हूं तो एक्स और जेड भी है, जेड लगाता हूं एक्स और वाई भी है। तो मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला बनाया। ये फॉर्मूला है, प्लीज ये रिमेंबर करना है, राइट। क्या फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, तीनों चीजें लिखेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार वाई, एक बार जेड। फोर्स के तीन कॉम्पोनेंट है, तीनों को ऐड कर देंगे, एक बार एक्स, एक बार वाई, एक बार जेड। कोई डाउट? एक्स के पीछे आई कैप, वाई के पीछे जे कैप, जेड के पीछे के कैप। कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट है, अब आपको ये अजीब लग रहा होगा कि मैं अच्छा भला डी पुट कर रहा था, ये डी मैंने अपना वैसी स्टाइल सिंबल चेंज किया, नहीं सिंबल चेंज नहीं किया, लिखो दिस इज नोन एज पार्शियल डेरिवेटिव। इस सिंबल को बोलते हैं टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, नाम लिख लो पार्शियल, बताता हूं होता क्या है पार्शियल। दिस इज नोन एज पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक। देखो पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है, जो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो कंप्लीट डेरिवेटिव है, पार्शियल के अंदर थोड़ा फर्क होता है। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है d by dx of x into y, ठीक है, हमने ऐसे क्वेश्चन किए, तो इसका आंसर क्या होगा, u और v का फॉर्मूला लगेगा, तो x into कितना dy by dx, y into कितना dx by, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें मैंने एक बार फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट माना, फिर दूसरी बार सेकंड टर्म को, और बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो ये क्या होता, पार्शियल डेरिवेटिव, सेम क्वेश्चन को करना है लेकिन विद पार्शियल, पार्शियल डेरिवेटिव अगर एक्स का चल रहा है डिफरेंशिएट, तो आपने सेकेंड टर्म वाई को क्या मान लेना है, कॉन्स्टेंट, वो वेरिएबल नहीं माना जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसका आंसर पता है क्या होगा, वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, तो सिर्फ वाई। फुल डेरिवेटिव, कंप्लीट डेरिवेटिव एक्स और वाई दोनों को क्या मानता है, वेरिएबल, वेरिएबल। और ये क्या करेगा, एक्स जो अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वाई को क्या मानेगा, कॉन्स्टेंट। मैं लगा के दिखाता हूं, देखो इधर समझ में आएगा। इसके अंदर आपने तीनों प्लेसेस पे यू, यू और यू पे इस यू की जगह पुट कर दिया जो गिवन है, इधर भी और इधर भी, ये टर्म आ गई। इसको आपने ओपन किया, ओपन कैसे किया देखो जरा, ओपन करने में माइनस के कॉन्स्टेंट आ गया इसमें से, के कॉन्स्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म आई कैप, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म जे कैप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के कैप। को डाउट इसमें? तो इसके अंदर इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, टू एक्स आई कैप, लेकिन क्योंकि पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है तो वाई को क्या मान लेता है, कॉन्स्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो। वो जेड को भी क्या मानेगा, कॉन्स्टेंट, जीरो। अब जब वाई की बारी आई तो वो x और z को कांस्टेंट मान लेगा, तो ये टर्म हो जाएगी जीरो और इसका आंसर आएगा 2y। जब z की बारी आई तो वो x और y को क्या मान लेगा, कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट कर देगा। कोई डाउट इसमें कैसे काम कर रहा है पार्शियल, क्लियर है? तो अगर पार्शियल x का चल रहा है, x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो। क्या पॉइंट समझ में आया? तो इस तरीके से आप अपने फोर्स फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो, वो मैथ्स के रूल है, वो मैथ्स वाले बताते हैं पार्शियल क्या होती है, अपने उसमें नहीं है। ठीक, पॉइंट समझ में आया यहां तक? ठीक, ओके। ये क्वेश्चन पढ़ना प्लीज एक बार। दिस असाइनमेंट इज नॉट फॉर स्कूल, लिख लेना, नॉट फॉर एनसीईआरटी, लिख लेना हेडिंग पे, स्कूल के लिए पढ़ने बैठ जाओ, नहीं पढ़नी।
पूछने का तरीका चेंज हुआ। कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ब्लॉक जिसका मास 1 kg है इज मूविंग हॉरिजॉन्टल विद अ स्पीड ऑफ 2 m/s, एंटर्स अ रफ पाथ। ठीक है, ब्लॉक एंटर कर रहा था और वो स्मूथ पे चल रहा था विद वेलोसिटी ऑफ 2, रास्ते में रफ पाथ आ गया और रफ पाथ कितना आ गया 0.10 से लेके 2.01। ठीक, रफनेस है। क्यों रफनेस हुई या क्यों वहां पर रफ है उसमें? क्योंकि क्या कर रही है? रिटार्डिंग फोर्स, फ्रिक्शन होगा, कुछ भी होगा, और वो रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू माइनस के बाई एक्स है और वेयर एक्स की वैल्यू 0.1 और 2.01 के बीच में, जो कि उसने मेंशन किया है हमें, यानी कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो एक ब्लॉक इज मूविंग विद 2 m/s, ये मान लो एक्स एक्सिस है, यहां पर रफ पाथ आ गया एक्स इज इक्वल टू कितना 0.10 m से लेके एक्स इज इक्वल टू कितना यहां तक रफ पाथ है। इससे पहले क्या है? स्मूथ। यहां से क्या है? रफ। उसके बाद क्या है? स्मूथ। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि अगर एक्स लेस देन 0.10 है स्मूथ, अगर एक्स 2.01 से ग्रेटर है स्मूथ, और अगर x 0.01 एंड 2.01 के बीच में है तो रफ। कोई डाउट इसमें? तो वही तो बोल रहे कि रिटार्डिंग फोर्स कहां से कहां कर रही है? 0.1 और 2.01 के बीच में, अदरवाइज क्या है? जीरो। मतलब अगर x इससे छोटा है या इससे बड़ा है तो फिर ये क्या जाएगा? जीरो। कोई डाउट इसमें? तो ठीक है, तो लिख रहे हैं, तो पढ़ने का स्टाइल समझ में आ रहा है कैसे आपने सोच रहा है इन चीजों को, जो स्टाइल है, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर कैसे बनेगा। ठीक है यहां तक? तो अब के की वैल्यू आपको गिवन है, जो भी है 0.5 जो भी है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड वी आर व्हेन इट क्रॉसेस द पैच। तो बताओ ये ब्लॉक जैसी पैच को क्रॉस करता है तो इसकी स्पीड क्या है? पहले तो 2 थी पर अब बाहर निकलती कम हो जाएगी, अगर स्पीड आ गई तो हाफ एम वी स्क्वायर से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? आया हुआ क्वेश्चन है मेंस का, ये ऐसा क्वेश्चंस आते थे 2018 तक, 19 के अंदर थोड़ा सा लेवल गिर गया, उन्होंने इस टाइप की प्रॉब्लम्स को पूछना थोड़ा सा कम किया क्योंकि उनको ये शायद फील हो रहा था कि ये स्टेट, बाकी मुझे पता नहीं इस साल क्या आएगा, यू नेवर नो, हर साल ट्रेंड चेंज होता है, तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए और हर कंपटीशन लाइफ टाइप जो भी एग्जाम्स हैं उसमें ऐसे ऐसे आपको खुद ही इमेजिन करना है और आप देखो इसको कैसे करोगे। मुझे सिर्फ एक लॉजिक दो कि जब ये ब्लॉक इस रफ पैच में से क्रॉस हो रहा है तो क्यों इसकी स्पीड कम होती है? क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है, तो रिटार्डिंग फोर्स इसके ऊपर कोई रिटार्डिंग वर्क डन करता है और रोकने का वर्क डन करता है जिससे कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? चेंज या डिक्रीज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम चलेगी और वर्क एनर्जी थ्योरम यही तो कहती है कि जितना भी रिटार्डिंग फोर्स ने वर्क डन किया इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि आपकी फाइनल एनर्जी इसमें कम हो जाएगी, इनिशियल ज्यादा थी तो ऑटोमेटिकली वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स इज नेगेटिव, यही होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है। तो वर्क डन किसी भी केस में, चाहे वो रिटार्डिंग फोर्स हो चाहे कोई भी फोर्स हो, फॉर्मूला तो ये रहता है FRdx, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें लगाना या माइनस लगा सकते हो, क्योंकि एंड में माइनस लगाना पड़ा मुझे क्योंकि दिस इज वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स एंड वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स इज ऑलवेज लगा लो, यहां पे माइनस लगाओ, यहां पे माइनस लगाओ, यहां पे माइनस लगाओ, इन दोनों जगह पे माइनस माइनस लगाओ, तीसरे में लगा हुआ है। ठीक, तो देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज एफ डी एक्स विद नेगेटिव साइन, यानी कि रिटार्डिंग फोर्स कहां से कहां तक काम कर रही है जब एक्स की लिमिट गिवन है, एक्स की लिमिट क्या गिवन है? 0.1 से लेके 2.01। ठीक, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के आई राइट पे चला गया, रिटार्डिंग फोर्स विद नेगेटिव साइन चल रहा है, कितनी वैल्यू गिवन है? के बाय एक्स, और इनिशियल एनर्जी क्या थी? हाफ इंटू एम इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी कितनी थी बॉडी की? 2। तो मास कितना गिवन है? 1, तो ये पता है, k 0.5 पता है, 1 by x dx, 1 by x dx की इंटीग्रेशन हमने की थी
वन बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या थी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, याद है लॉग एक्स कहां से कहां तक, 0.1 से लेके 2.01, कोई डाउट इसमें? फिर हम लिमिट पुट करेंगे, एक बार एक्स की जगह 2.01, एक बार एक्स की जगह 0.1। फिर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे मैथ्स की, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए अपॉन बी, राइट? तो इसे आप अगर डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा। मैथ्स का रूल है, हम जो लॉग है उनको टू दी बेस ई की बजाय टू दी बेस 10 में काम करते हैं, ताकि लॉग टर्म में वैल्यूज देख सकें। तो ये रूल है, रिमेंबर करना है कि लॉग ई को लॉग 10 में अगर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक नंबर से, और नंबर क्या होता है 2.303। ये कहां से आया नहीं पूछना, स्टैंडर्ड है 2.303। क्लियर है यहां तक? तो मतलब आज के बाद लॉग ई को लॉग 10 में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई इट विद 2.303, ठीक? उसके बाद लॉग टेबल देख के आंसर आएगा। मैथ्स वाले लोगों को टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ब्रेक कर सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली 20 लेके, लॉग 2 प्लस लॉग 10, लॉग 2.3010 होता है, लॉग 10 टू द बेस 10 1 होता है, सॉल्व हो जाएगा। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग की नहीं है, छोड़ दो, मेडिकल में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक? सीख लिया, बड़ी अच्छी बात है, हो सकता है आसान आ जाए। यहां तक वो सेम रख लें, मेडिकल में एफ आर को इतना कॉम्प्लेक्स ना करते हुए सिर्फ एक्स दे दे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई टू, आंसर आ गया एक मिनट में। तो इंटीग्रेशन का स्टेप कम हो सकता है, लॉजिक वर्क थ्योरम तो वैसी रहेगी, तो तीन स्टेप में खत्म करवा देंगे, लॉजिक सेम है। मैं उनको तो आया हुआ है, बाकी नॉन मेडिकल तो उसका तो मैं कुछ ये नहीं कह सकता, आएगा नहीं आएगा तो आ गया, ठीक? पर क्योंकि मैथ्स वालों को, मैथ्स वाले भी लॉग और सब करवाते हैं, तो उनको अपने आप इजी लगेगा ये। कैलकुलेशन वाले पार्ट को दो मिनट छोड़ दें, लॉजिक वाइज क्लियर है, ठीक? ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम्स में, तो प्लीज एक बार देखना इस क्वेश्चन को, पढ़ना।
देखो, हाँ बिल्कुल नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये बड़ा नहीं है, ये मैंने स्टेप दिखाए हुए हैं, ये कुछ भी नहीं है। देखो देखो, जो नहीं आने वाला होगा ना, मैं आपको बता दूंगा, मेडिकल वालों के लिए मैं हमेशा बताया करता हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ फिर वो तो पक्की बात है कहीं ना कहीं आ सकता है। देखो, क्वेश्चन की प्रॉब्लम समझ में आई कि आपके पास ना एक प्लैंक है, ठीक, इसमें बुलेट एंटर करती है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, बाहर निकलते ही इसकी वेलोसिटी वी बाय एन कम हो जाती है, तो रिड्यूस, तो नई वेलोसिटी क्या होगी, वी माइनस वी बाय, तो ये वेलोसिटी हो गई, ऐसे हम लेके आ गया। केस नंबर वन क्लियर है, ऐसा क्यों? और मान लो प्लैंक की लेंथ क्या है, एक्स गिवन नहीं है पर मैंने मान ली एक्स, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्लैंक इसमें क्या ऑफर कर रहा है, रिटार्डिंग फोर्स, रोकेगा उसे, ठीक हो गया। ये केस नंबर वन है। केस नंबर टू में वो ये कह रहा है कि फिर बताओ, अगर मैं वी वेलोसिटी से ही मैं एक बुलेट को एंटर करवाऊं सच दैट, अब मैं ये चाहता हूं कि वो फाइनली रुक जाए इसके अंदर, रुकने का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो, बाहर ना निकल पाए, तो बोलो मुझे कितने प्लैंक्स चाहिए। तो एक प्लैंक की लेंथ क्या है, एक्स एक्स एक्स, मान लो एन प्लैंक्स हैं, तो टोटल क्या हो गया, एन इंटू एक्स। गुड डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स एन इंटू एक्स हो जाएगा। अब आगे आपको इसमें क्या करना है, आपको बताना है नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड कितने हैं। तो केस नंबर वन, ये अगर प्लैंक है, वी वेलोसिटी से एंटर करते हैं, एक्स डिस्टेंस है, तो वी माइनस वी बाय एन, ये फाइनल केस नंबर वन तो क्लियर हो गया। अब अगर इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाएं वर्क एनर्जी थ्योरम का, हमने वैसे ऐसा क्वेश्चन पहले किया है, एन की फॉर्म में नहीं किया, 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर प्लैंक वाला क्वेश्चन किया है कि वो गोली चलती है बाहर आती है तो वेलोसिटीज चेंज हो जाती है, सेम कैसे, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये रही, इज इक्वल टू वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स, एंड वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। तो मान लो एफ इज द वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स, और कब तक करेगी रिटार्डिंग फोर्स वर्क डन, जब तक एक्स डिस्टेंस कवर करता है। इक्वेशन नंबर वन क्लियर है, राइट? तो दिस इज दी, ये फाइनल एनर्जी इसमें कम है, इनिशियल ज्यादा है, ओवरऑल नेगेटिव होगी, वो सही है ना, तो राइट हैंड साइड भी नेगेटिव 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 इक्वेशन है ना, क्योंकि ये एनर्जी कम हो जाएगी, ये ज्यादा थी इनिशियल, तो माइनस करके आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तभी तो इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव तो राइट हैंड साइड भी नेगेटिव ही होना चाहिए, इक्वेशन तभी बैलेंस बनी जाएगी। पर आपको रूल लगाना आ गया। अब सेकेंड केस में लगाते हैं, सेकेंड केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी, जीरो, एनर्जी कितनी, जीरो, और इनिशियल कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स, कब तक, एन इन टू एक्स, तो यहां कैपिटल एन करो प्लीज, कैपिटल एन, दिस इज नॉट स्मॉल एन, कैपिटल एन इन टू एक्स, करेक्शन करो, कैपिटल एन इन टू एक्स। इक्वेशन नंबर टू भी क्लियर है, बाकी अब सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है, आप कैसे कर पाते हो, आपको इसमें क्या निकालना है, कैपिटल एन निकालना है। बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि मैं क्यों ना इक्वेशन नंबर वन और टू को सीधा डिवाइड ही कर दूं, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल तो करूं, तो मैंने इस की इक्वेशन नंबर वन की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर टू की लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड, ऐसे इसको इससे डिवाइड, तो डिवाइड करके आपके पास एफ से एफ कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ माइनस, माइनस में राइट राइट पे ले गया, क्या बचेगा, सिर्फ ये टर्म, इसमें से काम करते हैं माइनस एडजस्ट करो, माइनस साइन जब इधर आएगा तो एन स्क्वायर आगे आएगा, एन माइनस वन पीछे आएगा, ओपन करो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉल्व करो और एन आएगा। 45 में से एक क्वेश्चन ऐसे करना है,
नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ट्रिकी प्रॉब्लम है, नॉर्मल से ट्रिकी है कम से कम। चाहो तो एक स्टेटमेंट पढ़ लो और सोचो जरा इसको कैसे कर सकते हैं। अगर कोई और मेथड है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर इसका वन ऑफ द बेस्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा मैथ्स ही है। तो एक बॉडी पे ना फोर्स लग रही है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप + 3j कैप, ठीक है, फोर्स लग रही है। वर्क डन बाय दिस फोर्स इज जीरो, कह रहे हैं फोर्स तो लगा रहा हूं पर वर्क डन की वैल्यू जीरो आई जा रही है। कब? जब पार्टिकल इस लाइन की इक्वेशन के अक्रॉस मूव करता है। मेडिकल है लोग समझ लें, ये एक्स और वाई एक लाइन की इक्वेशन है, मतलब अगर मैं इसको ग्राफ प्लॉट करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि दोनों की पावर्स एक्स और वाई की वन ही है इसमें। तो अगर कोई पार्टिकल इस लाइन के क्रॉस मूव करता है, इतनी फोर्स अप्लाई अगर करूं तो वर्क डन जीरो आता है। तो आपको बताना है फिर के क्या होगा। मैथ्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा यूज हो रहा है। पहले एक लॉजिक समझो, सपोज ये एक लाइन की इक्वेशन, एक लाइन है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है और फोर्स उसके ऊपर मैं ऐसे लगा रहा हूं। तो देखो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स में एंगल कितने बोलो, 90 है। तो पार्टिकल जितना मर्जी तेजी से मूव कर ले, अगर फोर्स हर वक्त 90 डिग्री पे है तो पक्की बात है वर्क डन क्या आएगा, जीरो। एफ एस कॉस 90 इज जीरो, कोई डाउट? ठीक है, ऐसा पॉसिबल तो है, मानते हो फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है तो भी वर्क डन जीरो हो सकता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर लाइन की इक्वेशन क्या है, 3y + kx = 5। इसको थोड़ा सा ठीक तरह करके लिखते हैं, y वाली टर्म एक तरफ और y अकेला एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ कर लोगे 3 से डिवाइड आंसर आ जाएगा। तो मेडिकल के लोग मुझे उनको आता होगा इतना कि y = mx + c लाइन की इक्वेशन है। क्या हुआ ये 10th में करते हैं क्या? अच्छा नहीं पता तो बता देता हूं कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को मैथ्स में रिप्रेजेंट किया जाता है बाय y = mx + c, वेयर m इज नोन एज स्लोप ऑफ द लाइन। मैथ्स वालों को तो मैथ के टीचर भी करवाएंगे। तो इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके जो x का कोफिशियंट है वो क्या बन जाएगी, लाइन की स्लोप। तो लाइन की स्लोप क्या आ गई, -k/3, संभाल के रखो इसे। तो tan थीटा से भी स्लोप निकलती है, लाइन की इक्वेशन की जो अगर स्लोप निकालनी है तो आप स्ट्रेट वे कुछ नहीं करोगे, कोई भी लाइन की इक्वेशन की बनोगी y = 3x + 4 कुछ भी, तो x का जो कोफिशियंट बनेगा अगर y अकेला है तो ये क्या बन जाएगी इसकी स्लोप। ये मैथ्स वाले लोग मैथ्स में सिखाते हैं। तो स्लोप आ गई लाइन की। अब एक काम करते हैं, फोर्स की बात करते हैं। लेट अस सपोज दिस स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय m1, फोर्स वेक्टर ये रहा जिसके दो कंपोनेंट है, i कैप में कितना 2, j कैप में कितना 3, और ये एंगल कितना है इसमें थीटा। तो इसकी स्लोप, इसका एंगल tan थीटा इसकी स्लोप होगी, मतलब इसकी डायरेक्शन बताने के लिए tan थीटा सफिशिएंट है, जो कि क्या आएगा 3/2। तो फोर्स की डायरेक्शन का मतलब फोर्स की स्लोप क्या है, फोर्स की स्लोप इज 3/2। लेट अस सपोज दिस स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय m2, कोई डाउट इसमें? तो आपको अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पता लग गई, एंड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप, तो डिस्प्लेसमेंट की स्लोप पता लग गई, आपको इसमें फोर्स की स्लोप पता लग गई। अब मैथ्स का अलग एक और पॉइंट टू रिमेंबर, लिखा हुआ है मैंने इसमें स्पेशली मेडिकल वाले लोगों के लिए कि वर्क डन जीरो कब होगा, बता दिया मैंने जब एंगल 90 होगा। तो अगर दो स्लोप्स, अगर दो लाइंस आपस में 90 डिग्री पे हैं, एक ही डायरेक्शन इधर है, एक ही डायरेक्शन इधर है, और एक की स्लोप इधर है, एक की स्लोप इधर है, या एक की स्लोप m1 है, एक की स्लोप m2 है, और अगर दो लाइंस या दो डायरेक्शंस आपस में 90 डिग्री पे होती हैं, ये पॉइंट टू रिमेंबर है, उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है, मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया जाएगा, इनका स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, -1। ये रिमेंबर करना पड़ेगा मेडिकल वालों को, नॉन मेडिकल वालों को मैथ्स के टीचर बताएंगे ऐसा कोऑर्डिनेट में क्यों होता है। तो अगर दो लाइंस आपस में 90 डिग्री पे हैं, ये तो हमने किया हुआ है, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, ये हमने किया हुआ है। तो लाइंस अगर 90 डिग्री पे हैं, तो डायरेक्शन 90 डिग्री पे है और हमें उनकी स्लोप्स पता है, तो स्लोप का प्रोडक्ट भी -1, जीरो नहीं -1। तो हमने लाइन की स्लोप निकाली,
लाइन की स्लोप, लाइन की डायरेक्शन निकाली, हमने फोर्स की स्लोप निकाली, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस वन, तो के की वैल्यू यहां से क्या जाती है, टू। ठीक है यहां तक? तो इस तरीके से थोड़ा सा मैथ्स लगा के इसको सॉल्व किया जा सकता है, हालांकि मेरे को लगता है ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन की कैटेगरी में, मुश्किल क्वेश्चन की कैटेगरी में, राइट? बट फिर भी हमने तो करना ही है, जो जो क्वेश्चन हमें दिखते जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, नई नई वैरायटी हम करते जाएंगे, पूछने वाला जो पूछता है पूछने दो, अगर रिटेन कर पाए तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें से 20-30 क्वेश्चन तो कर ही देंगे एंड में। ठीक, एक ना ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखा, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में, मेडिकल वालों के लिए है तो लंबा बट कुछ कर नहीं सकते, ये देखा है मैंने मेडिकल के अंदर भी, और नॉन मेडिकल वालों को तो आता ही है ऐसा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेसिकली ये, प्रूव दैट स्पीड वी रीच्ड बाय अ कार ऑफ मास एम। ठीक है, कोई कार है, उसकी स्पीड अभी वी हो चुकी है और पावर उसकी कॉन्स्टेंट है, तो प्रूव करो उसकी स्पीड इतनी है, बस कुछ नहीं गिवन, बस दो लाइन ही गिवन है, बस प्रूव कर दो इतनी है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन प्रूफ का नहीं है, एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैं चार ऑप्शन लिखना नहीं चाहता था तो मैंने टू प्रूव लिख दिया करेक्ट आंसर के साथ, अदरवाइज ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक, तो मैं एक चीज बता दूं, जिन क्वेश्चन में आपको ना वर्ड पावर दिखेगा, पावर के बाद वो वेलोसिटी यूज करेगा और फिर बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीजें देगा इस टाइप से, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका एक ही होगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, लास्ट टाइम हमने किया था। ठीक, पी पावर कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में, वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि वेलोसिटी वैसे भी ऑप्शन में दिख रहा था इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और वैसे भी वेलोसिटी रीचेस वी का मतलब वो चेंज ही हो रही होगी। ठीक, अगले स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन में वी को किस फॉर्म में निकालना है, एक्स की फॉर्म में निकालना है, यानी कि उस बॉडी ने को डिस्प्लेसमेंट भी कवर की होगी। तो एक काम करेंगे, फोर्स को लिखते हैं, देखो एफ की फॉर्म में तो आंसर है नहीं, एफ तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, फोर्स को लिखने का दो तरीके हैं, या तो आप लिखोगे एम इंटू ए, और ए को क्या लिखोगे, डीवी बाय डीटी, एम इंटू डीवी बाय डीटी फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, या ऐसे लिख लो डीपी बाय डीटी, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास बाहर आ गया डीवी बाय डीटी। वी कॉन्स्टेंट नहीं है तो डेरिवेटिव से बाहर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वी इज वेरिएबल, वी इज चेंजिंग विद टाइम, तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्लियर है यहां तक। अब प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है, पी और एम तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने एक तरफ लिख लिया, वी इंटू डीवी बाई डी टी एक तरफ लिख लिया, राइट? प्रॉब्लम ये है, जब आप ऑप्शन देखते हो, ऑप्शन में कहीं पर भी आपको टाइम नजर नहीं आ रहा, आपको वी किस की फॉर्म में चाहिए, एक्स की फॉर्म में चाहिए, पर जब आप इसका इसका एक ये चीजें निकाल चुके हो, ये इक्वेशन निकली, इसमें डीवी तो चाहिए क्योंकि इंटीग्रेट करके मैं वी निकालूंगा, पर मुझे डी टी नहीं चाहिए, और आज ही हमने किया इलिमिनेशन या कन्वर्जन कैसे होता है, टर्म dt है और को dx में कन्वर्ट करते हैं, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, ऐसा करने में क्योंकि 1 होता है, dx by dt क्या देगा आपको, v, dx by dt v, dx राइट साइड पे चला गया, तो क्या बन गया, v dv, v into v rather v square dv, p by m into dx, इंटीग्रेट करते हैं, v square की इंटीग्रेशन v cube by 3, p by m, और 1 dx की इंटीग्रेशन इज x, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके v क्यूब आएगा और v का क्यूब राइट साइड पे जाएगा, क्यूब रूट आएगा। ठीक, तो ये ही स्टाइल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसीलिए मैं इस शीट को पहले आपको ट्राई करने को दे भी नहीं रहा था, हालांकि मैंने ऑब्जेक्टिव शीट आपको आज दूंगा मैं आपको करने के लिए, पर मैं चाहता नहीं हूं कि इन टाइप की प्रॉब्लम्स को आप पहले हैंडल करो, क्योंकि एक बार आपका ये कॉन्सेप्ट बन गया, एक लेक्चर और लगेगा इसमें, वो नॉर्मल आसान लेक्चर है, उसके बाद फिर मैं चाहूंगा कि आप अब ट्राई करो। तो आज मैं जो होमवर्क दूंगा वो इसके नीचे नीचे प्रॉब्लम्स होंगी जो मैंने अपने हाथ से करवाई हुई हैं, मिलती जुलती होंगी, जिन पे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है यहां तक? बट आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है, और ये क्वेश्चन को क्रॉस कर दो प्लीज, ये गलत क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट गलत है, इसकी आंसर भी गलत है, इसको नहीं करना हमने, क्रॉस कर दो। 53 के बाद 54th शीट का ये जो पहला प्रॉब्लम है, बहुत बार बहुत अलग अलग फॉर्म से आपके किस बहुत सारे कंपटीशन में आई हुई प्रॉब्लम है। देखो क्या क्वेश्चन है पढ़ना,
ये शीट आप की तो कंबाइंड है ना, उसी में शीट नंबर 54 है। क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे ये। एक बॉल है, एक बॉल को हमने स्मॉल h डिस्टेंस वाटर के अंदर ले गए, स्विमिंग पूल वाली प्रॉब्लम है ये। स्विमिंग पूल में लोग पानी की बॉल को नीचे ले जाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर वो एकदम हवा में ऊपर जंप करती है, ये सेम है। तो कह रहे कि वो नीचे चली गई बॉल और ये ऊपर आती हुई हवा में यहां तक आई, तो बताओ हवा में हाइट क्या वो कवर करेगी, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो एयर में क्या हाइट कवर करेगी, ये क्वेश्चन है। हाँ, आप कितनी हाइट पर ले गए थे, स्मॉल एच, कोई डाउट है इसमें? ठीक, यहां तक क्लियर है। अब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ये बॉल डूबी क्यों नहीं, और अगर लोहे की बॉल होती तो डूबी सकती थी, सारी बॉल तो ऊपर नहीं आती ना, टेंसिटी का खेल गेम है सारा। हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल करेंगे नवंबर के अंदर, उसमें बहुत डिटेल में आएगा ये। तो उसमें यह बताया जाता है कि डेंसिटी लिक्विड की इसमें कितनी है, थ्री टाइम्स, थ्री रो। बॉल की कितनी है, रो। अगर बॉल की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होती फिर तो पक्की बात है ये बॉल सिंक कर जाती, अगर बराबर होती तो जहां रखोगे वहीं की वहीं पड़ी हुई है, और अगर पानी की डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, फिर पानी की फोर्स भी ज्यादा है, तो फिर वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। तो अगर कोई बॉडी अगर फ्लोट करती है तो समझो लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से पक्का ज्यादा है, कोई डाउट इसमें? ठीक, ये सुना होगा आपने डेंसिटीज के ऊपर, तो ये लॉजिक क्लियर है यहां तक। ओके, अब इस केस में एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम करेंगे इसे, हाउ टू कैलकुलेट अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट नाम कहां से आया, अप का मतलब फोर्स, थ्रस्ट का मतलब आपका मतलब ऊपर, थ्रस्ट का मतलब फोर्स, अब थ्रस्ट ऊपर की फोर्स, और ऊपर की फोर्स कौन लगाएगा, लिक्विड लगाएगा, तो लिक्विड की फोर्स को क्या बोलते हैं, अप थ्रोस, अप थ्रस्ट सॉरी, और या फिर फोर्स ऑफ बॉयंसी। क्या हुआ है शायद आपने, हाँ क्या हुआ है, सुना हुआ है, सुना हुआ है। प्लस वन बहुत डिटेल में करवाएगी वो चीज आपको। तो इसके अंदर आपको बेसिकली क्या करना है, अप थ्रस्ट की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला याद करो, पर कहां से बनाइए फॉर्मूला वो हम आर्किमिडीज के अंदर प्रूफ में करेंगे। तो अप थ्रस्ट
कौन लगाता है? कौन लगाता है? लिक्विड लगाता है। अब थ्रस्ट ऊपर की फोर्स कौन लगाता है हमारे ऊपर? लिक्विड लगाता है। तो लिक्विड कितनी फोर्स लगाता है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जिस पे फोर्स लग रही है बॉल है तो बॉडी का वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी किसकी? लिक्विड की, क्योंकि अब थ्रस्ट किसने लगाया? लिक्विड ने। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, क्योंकि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है? मास, मास इंटू जी फोर्स होती है, तो एक्चुअल में अब थ्रस्ट फोर्स ही होती है। तो फॉर्मूला याद रहेगा यहां तक। और अगर मैं ये बोलूंगा कि बॉडी का वेट निकालो, बॉडी का वेट क्या होगा? बॉडी का वेट इज इक्वल टू बॉडी का वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी अब किसकी? बॉडी की इंटू जी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो अब थ्रस्ट में डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। और बॉडी में डेंसिटी किसकी? बॉडी की। याद रहेगा यहां तक? अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये बॉल जब यहां पर थी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो। तो इसके ऊपर वेट क्या लग रहा था? वी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, क्योंकि मास इंटू जी वेट होता है। और अब थ्रस्ट क्या लग रहा था? वी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और क्योंकि डेंसिटी लिक्विड की बड़ी है, इसको कंपेयर करो, ये बड़ा है ये छोटा, तो बॉल कहां जाएगी? ऊपर। पॉइंट समझ में आ रहा है? बॉल ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि डेंसिटी लिक्विड की बड़ी है। तो ये दो फोर्सेस लग रही है, तो कौन सी बड़ी फोर्स लग रही है? ये लग रही है। तो एक्सेलरेशन बोलो ऊपर जाने की क्या होगी? न्यूटन का लॉ बोलता है बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? अप, नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड, ऊपर की फोर्स माइनस नीचे की फोर्स, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। अब इसके अंदर लिक्विड की डेंसिटी कितनी गिवन है? थ्री टाइम बॉडी की डेंसिटी, पुट कर लिया। और मास ऑफ बॉडी में वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो यहां से कॉमन निकालो v और रो, वीरो वीरो कॉमन निकालोगे सब कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा? सिर्फ 2g। तो पानी के अंदर इस बॉल की ऊपर जाने की एक्सेलरेशन कितनी है? 2g। कोई डाउट? ठीक। अब काइनेमेटिक्स शुरू हो जाता है, आपको एक्सेलरेशन पता लग गई। तो ये u इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ, पानी की बाउंड्री पे ये v वेलोसिटी तक पहुंचेगा, और अब वो हवा में एंटर करेगी ये बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ v, अब अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। मैं काम करूंगा, पहले इस जर्नी में v निकालूंगा, फिर इस जर्नी से h निकालूंगा। पहले v निकालूं, तो v स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज 2ah। तो यहां पर देखो, लिक्विड के अंदर मैंने लगाया इनिशियल वेलोसिटी लिक्विड की क्या है? जीरो। फाइनल v डिस्प्लेसमेंट h, तो v स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज 2, एक्सेलरेशन की जगह 2g इनटू h, लिक्विड के अंदर 2g है। तो यहां सॉल्व करके क्या आ गया? v। तो ये बॉल लिक्विड की सरफेस से बाहर आएगी विद द वेलोसिटी ऑफ v, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगी इसकी वेलोसिटी एयर में? जीरो। आउटसाइड द लिक्विड जीरो स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज 2 माइनस g h, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी हवा में आ गई तो माइनस g। तो यहां पर v की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट करो, सॉल्व करो, h कैन बी कैलकुलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली आता है। पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहां तक? जैसे कोई पोटेंशियल एनर्जी u एज अ फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय a अपॉन x रेज टू पावर 12 माइनस b अपॉन x रेज टू पावर 6। तो पोटेंशियल एनर्जी x की फॉर्म में चेंज हो रही है, a और b कॉन्स्टेंट्स है। क्या निकालने आपको? x। जब पार्टिकल किसमें है? इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले मुझे ये बताओ, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होती है? जीरो होती है। एनर्जी से फोर्स निकालनी आती है? आती है। कैसे? f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय एक्स, क्यों? वेरिएबल x है। अब समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन आते हैं कंजर्वेटिव पे? तो यहां से u को उठा के यहां पुट किया, ओपन किया, इसे a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, x रेज टू पावर माइनस 12, x रेज टू पावर माइनस 6, डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस 12, x की पावर एक कम माइनस 13, माइनस 6, एक कम माइनस 7, तो ये क्या आ गई? फोर्स आ गई। पर इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स क्या चाहिए? जीरो। फोर्स को उठा के जीरो पुट कर दो, तो ये और ये टर्म इक्वल टू जीरो, ये नहीं, ये टर्म राइट साइड पे चली गई, ये टर्म आ गई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब x की पावर 13 इसके नीचे आएगी, सॉरी माइनस 13,
ऊपर जाएगी x की पावर प्लस 13 सॉल्व करके x की पावर 6, सॉल्व करके क्या आ गया x की पावर 6, सॉल्व करके क्या आ गया x, आंसर इतनी x की वैल्यू पर फोर्स क्या हो जाएगी 0। बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ये कंपटीशन की जो बहुत बार आती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? टाइम क्या हुआ है? अब एक काम करना है आपने, आपको एक ऑब्जेक्टिव शीट्स मिली हैं एज अ होमवर्क। एक मिनट के लिए होमवर्क ओपन करो, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 25। ये शीट आज हम कर रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव शीट जो 25 है वो तो आपने नहीं करनी, वो तो मैं ही करवाऊंगा, जो बचे हुए क्वेश्चन वो भी मैं ही करवाऊंगा। ये मुश्किल शीट है, जो आज की शीट है वो इसी के ऊपर बेस थी, राइट? तो ये तो आप अभी रहने दें, आप शीट नंबर 26 निकालें प्लीज, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 26। ये होमवर्क है, इसका कौन सा क्वेश्चन नहीं करना वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 रहने दें, नहीं होगा अभी, क्वेश्चन नंबर 7 रहने दें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 रहने दें, 13 नहीं करें, 13 भी नहीं करें, 15th ये फिगर नहीं है इसको ना करें, 15th की फिगर नहीं है इसको भी ना करें, बाकी ट्राई करनी आपने ये शीट, ठीक। इसके साथ ही आपको एक हैंड रिटन शीट मिली है आज, सॉरी आपको एक शीट मिली है शीट नंबर 56। मैंने ये एस एल अरोड़ा बुक की कुछ स्कैंड पेजेस लिए हैं, तो आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, शीट नंबर आप नोट करें, हैंड रिटन में 56 में आपने पंच करनी है, जब आप फाइल में डालेंगे इस शीट का नंबर 56 है प्लीज, ठीक। पहले तो कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं इसकी एनर्जी की, वर्क एनर्जी की, बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी आपने ट्राई करनी है, ये सारी सॉल्व प्रॉब्लम बहुत छोटी छोटी हैं, ये रही, ये सब ट्राई करनी है। इसके बाद इसकी कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, ये वाली, ये रही, यहां तक हिंट्स भी साथ में गिवन है आंसर चेक करने के लिए, ये भी आपने ट्राई करने है। बहुत सिंपल है, अपना होमवर्क यहां से स्टार्ट करना, बेसिक से स्टार्ट करना, फिर ऑब्जेक्टिव बाद में करना, ठीक। पहले ये करना फिर वो, तो अगली बार अपना होमवर्क कंप्लीट करके आना।